I know, thank you so much. Yeah. The journey was amazing, but we have to accept the fact that detachment is part of actor's life, and in the end, sab kuch khatam hona hai hai. Show ko bhi khatam hona hai, kirdar ko khatam hona hai. But right now, we are shooting, as you can see. I'm in between shoot only, so till the last date, that dedication toward acting is still there, and I'm really enjoying this, and I have enjoyed this. But let's see how it goes aage. हाँ, सीन तो रोने वाला ही है, बिकॉज इट्स हैप्पी एंडिंग. इमोशन से भरे हुए आंसू है, बट कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आई एम वेरी मच न्यूट्रल. शो खत्म होता है बिकॉज वेन एवर आई कम ऑन एनी सेट और आई डू एनी काइंड ऑफ रोल, आई कम मेंटली प्रिपेयर विद द थिंग दैट डिटैचमेंट इज पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ एंड वी हैव टू डील विद दैट. बट कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, चैनल्स बिजनेस, इवन पुटिंग आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स, सो मच ऑफ एफर्ट्स, कहीं ना कहीं चैनल के फेवर में चीज़ें जाती है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस गेम. बट आई एम वेरी मच अटैच टू द धवल्स कैरेक्टर एंड आई एम फीलिंग बैड कि धवल का कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है. आई हैव टू लिव दैट स्किन हियर ओनली एट द स्पॉट. टुडे इज़ द लास्ट डे आई एम इन द स्किन. सो बिकॉज दैट पहले वाले लीप के बाद यू नो सबसे पहले डर होता है कि अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडियंस यू नो. बट कहीं ना कहीं एक दो हफ्ते के बीच में वी गॉट दैट एक्सेप्टेंस एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग धवल नताशा नवल यू नो. सो आई वॉज हैप्पी. बट एज आई ऑलवेज से मीडिया फैंस द एडिटर्स ऑफ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया दे हैव बीन इनडायरेक्ट प्रमोटर ऑफ दिस शो. तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस शो को प्रमोट किया है एंड कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेट करते थे एंड और आज अगर मुझे बुरा भी लग रहा है कि शो के बारे में तो आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर देम बिकॉज देवर इमोशनली वो एक तरह से उनका डेली मील था यू नो पंड्या स्टोर और आई एम फीलिंग बैड फॉर देम यार एंड ऑल्सो द पीपल ऑन द सेट द डेली वर्कर्स बिकॉज लाइक एज एन आर्टिस्ट आई मे गेट वर्क वेरी सून और आई विल गेट बट उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो दिस इज जर्नी ऑफ द लाइफ. हाँ मतलब दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज वी टुक लीप यू नो बिकॉज उनको आके अभी 20 दिन हुए थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि शो कंटिन्यू वर्क करेगा यू नो एटलीस्ट यार IPL तक या तो फिर एटलीस्ट चैनल वेट करेगा लीप की TRP का. बट कहीं ना कहीं दे डिडंट वेट फॉर इट बिकॉज दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस 7 to 8 न्यू कैरेक्टर्स इन द शो और नए कैरेक्टर आने के बाद आप बिल्कुल नहीं सोचते हो सब होना बिकॉज अगर हमको पता होता कि रैप अप होने वाला तो वी वुडंट हैव टेकन द लीप. तो लीप होता ही नहीं शो में बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ये सब चीज़ों द बॉन्डिंग या बिकॉज एज एन एक्टर वी जेल रियली वेल बिकॉज हमारे उतने इंटेंसिटी के सीन्स होते थे एंड वी जस्ट टू एन्जॉय दैट. आई थिंक एक हफ्ते में ही वी जेल अप वेरी वेल टुगेदर. क्या बिकॉज हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बिकॉज कहीं ना आपका एक इंटरनल फैक्टर होता है जो उस चीज़ को इंसाइटफुल बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, रोमांटिक बना देता है. बट द थिंग इज दैट कि लाइक अर्लियर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नो द अपोजिट कैरेक्टर यू नो नताशा या तो प्रियांशी. बट कहीं ना कहीं कुछ समय बीतने के बाद आपको पता है कि ये इस तरह का एक्टर इस तरह के सीन में इस तरह से रिएक्ट करता है और कहीं ना कहीं वो भी मेरी बात इस तरह से समझ गई होगी. तो कहीं ना कहीं मुझे एक्शन रिएक्शन मुझे समझ आने लगे थे कि कैसे होता है. तो जब एक्शन रिएक्शन अच्छे होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सीन्स भी इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं दैट वाज वेरी फ्लॉलेस, वेरी एफर्टलेस. तो मज़ा आता था. नेक्स्ट हाँ तो यू नो व्हेनेवर आई डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू नो
इधर इट्स ऑलवेज अबाउट इट अ बैलेंस लाइफ यू नो. कभी ना कभी हमेशा मैंने टेलीविजन करने के बाद हमेशा मेरा कहीं ना कहीं फोकस क्रिएटिव चीज़ों पर रहा है यू नो. इन टर्म्स ऑफ वी कैन गिव योर टाइम टू प्रिपेयर द कैरेक्टर. तो कहीं ना कहीं हमेशा आफ्टर बाजीराव आई डिड एस्केप लाइफ और द ब्लाइंड गेम विच इज़ अपकमिंग मूवी. अगेन देर आर सम projects lined up which are OTT or you can say TV++. So it will be fun to play this kind of characters or the different genre. To dekhte hain how it will go because kahin na kahin television se aapko ek break bhi milta hai, but I'm not sure, but whichever is a good project is coming in my way because I have some 2-3 projects. I'll choose wisely ki pehle kisko rakha jaye. So wahi hai kahin na kahin thoda 10-15 din ka break and back to the work. कहीं ना कहीं मैं रोहित चंदेल धवल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. शो से तो प्यार करता हूँ लेकिन शो से ज़्यादा मैं धवल से ज़्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज आई वॉज अटैच टू दिस कैरेक्टर और इतना अटैचमेंट बिकॉज आई हैव लिव्ड दिस कैरेक्टर. मेरी थॉट प्रोसेस 12 घंटे धवल के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी यू नो. जब भी मैं सेट पे आता था तो आई यूज टू गेट इन दैट स्कैन. सो इट्स फन टू प्ले धवल मल्टीपल शेड्स कैरेक्टर यू नो. मस्ती करता था, स्टंट करता था, हंसता था, खेलता था, रोता था, ड्रामेटिक इमोशनल सीन भी उतनी इंटेंसिटी से किए और कॉमेडी करता था. तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग है मेरे लिए जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ. अलमेस्ट धवल अलमेस्ट, क्योंकि मैं अगर इमोशनल होऊंगा मैंने सोचा एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डालूंगा धवल के बारे में. तो वही है, आई विल गेट वेरी इमोशनल जब मैं धवल की स्किन को छोड़ूंगा. Hello everyone, this is Rohit Chandil and you're watching me on Buzuka.